बहुत छोटा सा टॉपिक है, बूटस्ट्रैप के अंदर में जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन बनाने के लिए क्या करना होगा, तो मैं आपको जंबोट्रॉन के बारे में बताता हूँ कि जंबोट्रॉन होता क्या है। इसका नाम जंबो यानी कि बड़ा, ट्रॉन मतलब फास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जंबोट्रॉन एक बैनर की तरह होता है, आप इसको बैनर समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लासेस बताता हूँ क्या करना होगा, बहुत छोटा सा क्लास है। सबसे पहले आपको एक जंबोट्रॉन का इस्तेमाल करना है, और एक है दूसरा जंबोट्रॉन डैश फ्लूड। इसके दो ही मेन क्लासेस हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जंबोट्रॉन जो है वो आपको एक छोटा सा मार्जिन देता है सभी तरह से, जंबोट्रॉन फ्लूड जो है वो आपको मार्जिन नहीं देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं इसको, समझते हैं क्या है ये, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जहाँ पे हम लोग नेबर बना चुके हैं उसके जस्ट बाद हम लोग जंबोट्रॉन बना के देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है जंबोट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से मैं जंबोट्रॉन को बनाने के बाद इसके अंदर में एक कंटेनर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि इसके अंदर कुछ डाला जा सके, समझा जा सके। H1 के क्लास में डिस्प्ले डैश 4 या 3 का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे वेलकम इन माई वेबसाइट ऐसे हेडिंग दे रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैं एक पैराग्राफ जिसका क्लास मैं लीड रखता हूँ, ये सब क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा लीड। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। इसके बाद मैं एक HR का लाइन का इस्तेमाल करता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं इसको, HR टैग हुआ। और इसमें इस तरीके से मैं बना दिया ताकि लाइन बीच में आ जाए। और एक बटन बना के दिखाता हूँ आपको, BTN डैश डेंजर, BTN डैश LG। ठीक है, और मैं यहाँ पर लेट्स स्टार्ट, ठीक है, इस तरीके से मैं डाल देता हूँ। अगर आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा बैनर बन के आ गया है एकदम ज़बरदस्त सा। और यहाँ पे ऊपर हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, और ये नीचे HR है, और उसके नीचे एक बटन है। तो ये है जंबोट्रॉन, इसको आपको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसका कलर कैसे बदलेंगे, कलर बदलने के लिए आप जंबोट्रॉन में ही BG डैश फिर आप कलर का नाम डाल सकते हैं, जैसे डेंजर, और बाकी आपको नाम पता है। अगर आप इसका टेक्स्ट कलर को वाइट करना चाहते हैं तो लिखेंगे टेक्स्ट डैश वाइट, या जो कलर करना चाहते हैं उसका कलर का नाम, जो 8 कलर मैंने बताया था वही इस्तेमाल होता है। देखिए कितना कितना जल्दी से ये तैयार हो जाता है। मैं यहाँ पे प्राइमरी लिख देता हूँ, प्राइमरी, देखिए ये प्राइमरी कलर का, वाओ। तो ये बहुत जल्दी से बैनर तैयार हो जाता है। लेकिन आप छोटा सा चीज़ देखेंगे तो आप जूम करके देखेंगे तो आपको एक कोने में यहाँ पे बॉर्डर रेडियस नज़र आ रहा है ना, तो बॉर्डर रेडियस को आप कम कर सकते हैं। ये बॉर्डर रेडियस को कम करने के लिए आप है ना फ्लूड का इस्तेमाल करें। फ्लूड क्या करेगा, तो जंबोट्रॉन डैश फ्लूड, इसी में क्लास लगाना है। जंबोट्रॉन ध्यान रहे, जंबोट्रॉन रहेगा फ्लूड एक्स्ट्रा जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए ये बॉर्ड खत्म हो गया और ये काफ़ी असरदार है। ठीक है, तो आप रेडियस ख़त्म कर सकते हैं, उसका बॉर्डर ख़त्म कर सकते हैं, और आप नॉर्मल वाले में बॉर्डर रहता है, रेडियस रहता है, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको करके देखिए, इसके अंदर आप जो चाहे बना सकते हैं, जैसा कलर चाहे बना सकते हैं, काफ़ी असरदार, काफ़ी फास्ट और बहुत जल्दी से तैयार हो सकता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।